जबलपुर का उमती थाना एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां पर आम जनता की नाराजगी का नजारा देखने को मिला। दरअसल अपने काम से घर लौट रहे एक युवक पर अचानक 3 लोगों ने बम चला दिया। जी हां, लेकिन जब इसकी शिकायत उनके थाने में दर्ज करने का प्रयास किया गया तो पुलिस का ढीला रवैया जनता की नाराजगी का कारण बना। देखते ही देखते उड़िया मोहल्ले से फरियादी के समाज के सैकड़ों लोग थाने में धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पूर्व इसी क्षेत्र में 2 समाज के विवाद में जमकर बमबाजी हुई थी, जिस पर पुलिस ने 1 सैकड़ा से ज्यादा पत्रियों को मामले में दर्ज किया था। वहीं बहरहाल थाना क्षेत्र की जनता का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के चलते बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है और पुलिस ऐसी वारदात को होने से भी इनकार कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त क्षेत्र में व्यवस्थित गश्त लगाकर निगरानी की जा रही है। वहीं आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उड़िया मोहल्ला सोनकर लोग गाड़ी में थे 3 लड़के। क्यों चला रहे, क्या वजह, क्या कारण? वो झगड़ा हुआ था ना, वो झगड़ा फिर शांत नहीं कर और झगड़ा कर रहे, तो वो अंचल डांट नहीं रहा कि खत्म कर और बढ़ा रहे, उसका भाव और बढ़ रहा है, अंचल दे रहा। तो यहाँ पुलिस प्रशासन के पास आए, पुलिस ने किस तरह से आश्वासन दिया आप लोग? नहीं, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा, पुलिस कुछ नहीं सुन रहा। क्या चाहते आप? हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, पूरा जो समाज तो दिल्ली चले जाएंगे, सब 1,00,000 जनता सब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम लोग का कार्रवाई करेगा, इधर कोई नहीं सुन रहे। क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश ना। किस थाने आए हो आप लोग? अमती थाने में। सुदेश ना थाने आए हैं, क्या है पूरा? मैं दुकान से अपने आ रहा था और एक मित्र मिल गया, मैं उससे हंसी मजाक करने लगा और 3 सोनकर समाज के बंदे आए एक्टिवा पे और मेरे पर बम चला दिए। उनके नाम सर पता होता तो पता ही नहीं उनका नाम। पहले भी कभी कोई बुराई नहीं? कभी बुराई नहीं, मैं तो गन्ने वाला ठेले वाला हूँ सर, मैं अपना धंधा पानी देखूं कि लड़ाई दंगे में थोड़ी ना मैं रहना चाहता हूँ। हाँ, सुनवाई हो ही नहीं रही तो इसलिए तो पूरा समाज हमारे साथ इकट्ठा है। आपका नाम? कुलदीप यादव उर्फ गोल, छोटी ओम तिड़िया मोहल्ला। इसमें एफआईआर लिखी जा चुकी है पहले से ही, उसमें नामजद एफआईआर है 20-25 लोगों पे, अन्य जो भी 100-150 लोग हैं वो भी हैं, फुटेज की तस्दीक की जा रही है, जो लोग पाएंगे उन पे एकदम अब कठोरतम एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में भी पुलिस तैनात है, ठीक है, ऐसी किसी प्रकार की जो भी घटना हो रही है इस पर तुरंत बिल्कुल पहुँच करके क्विक एक्शन लिया जा रहा है। इसमें भट्टीपुर क्षेत्र पुराना बेयर हाउस में पुलिस की आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई थी, अभी देखा गया वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं और अभी बम चलाया गया है। पॉइंट्स वगैरह लगे हुए हैं, हो सकता है वो अभी गश्त वगैरह लगे, पॉइंट लगे, लगातार उन्हें चेक भी किया जा रहा है, ठीक है, और आवश्यक जितना भी फोर्स होगा उतना मतलब इन्फोर्समेंट किया जाएगा उसमें। किसी को कोई जानमान का कोई खतरा? अभी किसी प्रकार का कोई खतरा ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ये आक्रोशित जनता है, इसको क्या आश्वासन दिया आपने इसके ऊपर? नहीं, इस पे हम बिल्कुल अपने पुलिस जो भी है वैधानिक कार्रवाई करेगी, आवश्यक जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए हम लोग बिल्कुल लेंगे। कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव है क्या? ऐसा किसी प्रकार का ऐसा कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है इसमें, जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट आएंगे उन हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।